राजधानी लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप वेड़वा ने 15 मई को अलीगंज स्थित केंद्रीय भवन से मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि यूपी के जिन जिलों में विगत चुनावों में मतदान प्रतिशत कम रहा है उन जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप वेड़वा ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के अनुसार मतदाता जागरूकता रथ द्वारा लखनऊ और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा ये आज इन मतदाता जागरूकता वाहनों को चलाया जा रहा है और इस पे मैसेजेस लिखे हैं, खासकर ईवीएम कैसे काम करती है, वोट कैसे डलता है, कौन से दस्तावेजों का प्रयोग करके पहचान मतदाता अपनी दे सकता है बूथ पे, क्या बूथ पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कौन से ऐप्स हैं जिनका यूज़ करके मतदाता, जैसे नो योर कैंडिडेट ऐप, सक्षम ऐप, सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन, इसी तरह सारी प्रक्रिया भी समझाई गई है चित्रों के माध्यम से बहुत सरल तरीके से और बहुत कम समय में। अगर मतदाता इस वाहन को थोड़ी देर के लिए भी इस पे जो मैसेजेस दिए हैं उसको पढ़ता है तो उसकी सारी जानकारियाँ जो होना चाहिए मतदाता को, जागरूक मतदाता को, होगी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है केंद्रीय संचार ब्यूरो का, इससे बहुत मदद मिलेगी आम जनता में, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने में। और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि पांचवां, छठा और सातवां चरण जो भी बचा है उत्तर प्रदेश में होने वाला, और 41 सीट्स हमारी हैं जिनका भी इलेक्शन होना है, उस पर हमारी मतदाता भारी संख्या में आके इस महापर्व में जो चुनाव का हमारा पर्व है इसमें भाग लेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार हमारा मतदान प्रतिशत था 59% से ज़्यादा, इस बार 60% से ज़्यादा मतदान होगा, ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं।